आप सबको गोपाला जी का नमन। हमारे साथ स्वामी योग चिन्मय जी हैं, मंत्रों के ज्ञाता हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये मंत्रों को प्रॉपरली मुद्राओं से, योग मुद्राओं से जोड़ते हैं, योग मुद्राओं की तरह करते हैं। और देखिए, मंत्रों का मैंने जैसे बताया, बार बार मेरे वीडियोस देखते हैं कि मंत्र जो हैं वो बेसिक विशेष रूप से ये नाद बेस हैं, उच्चारण बेस हैं। इनका अर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक ये चक्रों पर चोट नहीं करेंगे तब तक के एनर्जी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि साइंस का सिद्धांत है कि दो चीज़ों में घर्षण होता है तो ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, तो उसमें काम करने की शक्ति होती है। बच्चों के लिए प्रॉब्लम है कि बच्चे मंत्र का जाप नहीं कर सकते। और आज के ज़माने में आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्टबर्न हैं, या उनका कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों का, या कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़े हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके परिजन परेशान हैं। बच्चों के लिए क्या दो शब्द आप कहेंगे, कोई मंत्र, कोई तरीका, कोई उपचार, क्या इसके विषय में आपका, क्योंकि आपने सारे देश विदेश में भ्रमण किया है, आपके लेक्चर्स होते रहते हैं, आप योग की ट्रेनिंग देते हैं, आप अध्यात्म की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? मंत्र बड़ा गहरा विज्ञान है, लेकिन संस्कृत थोड़ी जटिल भाषा होने की वजह से बच्चे मंत्र को आसानी से नहीं जाप कर सकते। आज बच्चों में बड़ा स्ट्रेस है, तनाव में है बच्चे, पढ़ाई को लेके, कैरियर को लेके, छोटा सा बच्चा भी कैरियर को लेके परेशान होता है। मैं एक बहुत छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, दुनिया में सबसे जो मस्त है प्राणी वो है भौंरा। अगर बच्चे नाभि पे चोट मारकर भौंरे की आवाज करें तो बड़ी आसान है, मैं अभी करके दिखाऊंगा, एक तरह गुनगुन करना। हाँ हाँ, अगर बच्चे नाभि पे चोट मार के भौंरे की आवाज करें तो उनके सारी टेंशन, सारे डिप्रेशन वगैरह सब रिलीज हो जाते हैं। बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, और बड़े किसी भी अवस्था के आदमी भी कर सकते हैं। ये बड़ा आसान सा है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो के नाभि पे चोट मारो और फिर भंवरे की गुंजार करो। ये नाद जो हो रहा है नाभि में, नाद हो रहा है ये नाभि में चोट लग के, और फिर सहस्त्रार्थ पे नाद हो रहा है। सहस्त्रार्थ मतलब आपके, हाँ, ब्रह्मांड जी जी। और इससे हमारा क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रॉपरली श्वास नहीं ले पाते। जैसा कि हम दौड़ते हैं तो हमारे ऑर्गन श्वास मांगते हैं, तो हम ऑक्सीजन उन्हें गहरी गहरे सांस लेके देते हैं जी। लेकिन सामान्य अवस्था में हमें ये भी पता नहीं चलता। सरल सा बता, इसके लिए कोई समय नहीं है, पेट भरा हो, पेट खाली हो, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये मस्ती का चीज है, और मस्त रहना हर आत्मा का परम धर्म है और हर आत्मा का स्वभाव है।